पूरा खा लोगे ना? अरे खा लूंगा, और खाने के बाद एक और मंगवा देना, ठीक है? अभी ऑर्डर कर दो, तब तक आ जाएगा, ठीक है? मंगवा मंगवा। सुनो, पिज्जा आ गया है, पिज्जा खा भी रहे हो, ये दो तीन ठूस भी चुके हो, तो अब बात आती है हमारी बात पे। तुमने कहा था कि पिज्जा आने के बाद तुम हमारी बातें मानोगे, जो हम तुमसे कहेंगे वो करोगे। तो बात ये है कि तुमको अब दौड़ना होगा 5 किलोमीटर, हर एक पिज्जा का 5 किलोमीटर, ठीक है? ये क्या बात होती है, एक पिज्जा के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? ये तो चीटिंग है। हाँ, तो तुमने प्रॉमिस किया था, अब प्रॉमिस पे अब डटे रहो तुम। प्लीज 1 किलोमीटर कर दो, एक प्लीज। बढ़ा देंगे, सच बता रहे हैं, एक पिज्जा पे 5 किलोमीटर और दौड़ना स्टार्ट करेंगे अभी से। उठो, चलो उठो, प्लीज 1 किलोमीटर कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठो, चलो चलो उठ, चलो जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, वो तो रखी, जाओ इसको बग्घी में बांधना चाहिए। आपने हमें बुलाया मैडम? हाँ हाँ, हमने बुलाया, आई आई। दरअसल बात यह है पुष्पा जी कि फॉर एग्जाम्पल, आपने जोश जोश में आकर बंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन वो आपसे हैंडल हुआ नहीं, 2 दिन में वापस भेज दिया और भर भर के खिला दिया उसे पिज्जा। हम समझते हैं कि वो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल ही थी हैंडल करना, लेकिन अब यहीं फिर उम्र की बात आ जाती है ना, जो चीजें उम्र के साथ छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देनी चाहिए उम्र के हिसाब से। मैडम सर, अब इसमें उम्र कहाँ से आ गई? अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, बचा भी क्या है? मैडम सर प्लीज कंटिन्यू। वो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही अड़ियल है मैडम सर, हद से ज्यादा अड़ियल है, उसके खुद के माँ बाप उसे सुधर नहीं पाए हैं। हाँ, तो हम क्या कर लेते? करिश्मा सिंह कर सकते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद करिश्मा सिंह ये काम करवा सकती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही सब्र के साथ और पेशेंस के साथ शायद कर लेंगी, है ना? तो इनफैक्ट हम तो ये भी सोच रहे थे कि पुष्पा जी की अब आप आराम कीजिए, हम आपका काउंसलिंग का डिपार्टमेंट करिश्मा सिंह को सौंप देते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए लाइफ में, ठीक है? ये तय रहा फिर। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैडम, मैडम से ये क्या कह रही हैं आप, ये काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है। एक काउंसलिंग जो है वो हम कर सकते हैं, हमें आता है, वो भी आप अगर उन्हें दे देंगे तो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, रोइए मत पुष्पा जी। आप देखिए, दरअसल सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन गई है ना कि हमें दावे के साथ कह सकते हैं मैडम सर कि करिश्मा जी के बस की बात नहीं है ये। हम आपको लिखे 4 दिन, आप 4 दिन में देखिए, 4 दिन में साबित हो जाएगा वो ये सब कर सकती है कि नहीं। हाँ, मगर काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है मैडम सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 2-4 दिन देख लेते हैं सिचुएशन कैसी बनती है, फिर डिसाइड करेंगे कि आप कर रही हैं या करिश्मा सिंह कर रही हैं, ठीक है? प्लीज अब रोना बंद कीजिए। तो अभी हम जाए कि रुके? प्लीज जाइए। करेंगे काउंसलिंग, हर किसी का काउंसलिंग, पूरी दुनिया का काउंसलिंग आप ही करेंगे। एक दिन हमें काउंसलिंग लगेगी सास बहु के चक्कर में। ढंग की चाय पीने के लिए आ जाओ। मतलब तुम इतना कंगाल हो गए हो कि तुम अब चाय का बिल भरवाने के लिए हमको यहाँ बुलाओगे? तुमको शर्म नहीं आता बिल्ले? और बिल्लू के पास बिल के पैसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज सिट। वो क्या है, ढंग की चाय इसलिए पी रहा हूँ कि बदनाम की जहर का असर थोड़ा सा कम हो इसलिए, और गुट्टी के साथ मैं आपको बैड न्यूज देने वाला हूँ। ए, दो बढ़िया सी चाय देना फर्स्ट क्लास, और तुम तो जार में चाय पीते होगे, इसके पास जार है नहीं तो रहने दो। बैड न्यूज का है? बैड न्यूज, हाँ बैड न्यूज, ये चाय तो पीजिए। नहीं पीना हमको। नहीं पीने, ठीक है, गुट्टी है।
तो बैड न्यूज ये है जो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, आपने भौकाल दिखाया, वो मैडम सर के सामने गिड़गिड़ाया, अपना जुर्म कबूल किया। हाँ हाँ, तो उसका क्या? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती ही सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ आपके डर के वजह से, भौकाल के वजह से उसने जुर्म कबूल किया है। वो कह रहा है कि मैंने जो जुर्म किया ही नहीं वो मैं कबूल क्यों करूं? झूठ बोल रहा है वो। लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, उनको धोखा देता है, उनकी थैली बदल देता है गंदे फ्रूट्स के साथ और बोलता है कुछ नहीं किया। कितने कंप्लेन है उसके खिलाफ पता है तुमको? करिश्मा मैडम, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है मैडम सर। मतलब मैडम सर को अभी लगता है कि आप में बहुत सारा संयम आ गया है, लेकिन मैडम सर को जब ये पता चलेगा कि भौकाल की मुंडेर पर कोई संयम की चिड़िया बैठी ही नहीं है तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धतिया उड़ जाएगी। जो काम दो चार छप्पड़ लगा के हो सकता है उसके लिए काहे हम ये सारंगी बजाने बैठे हैं वहां पे उसके सामने, वो भी इतना धूप में। हां पॉइंट तो है, इसलिए हमको जो ठीक लगा हमने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह, 2 किलो कम हुआ है। तुम जाओ, तुम पैकिंग करो, तुमको शाम को पहुंचा देंगे घर पे। मैडम सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो मशीन है ना, हाँ ये खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मशीन खराब नहीं है, आपकी आंखों में हमारा छवि खराब है। हम कुछ भी कर ले हम रहेंगे निकम्मे के निकम्मे, घर पे भी और थाने में भी। नहीं मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कसरत करा रहे हैं, भगा रहे हैं, खाने में कटौती कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मशीन खराब है ये कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? हाँ अरे फिर तो आपकी मेहनत उस पे भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं? इंच भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है उसमें कहीं। तो बच्चा है, गुब्बारा नहीं है, पिन मारा ठुस करके उसका हवा निकल गया, जमाने का फैट है उसके अंदर, जाते जाते जाएगा ना, क्रांति एक दिन में घट जाता है क्या? क्या ये बदलाव कम नहीं है कि उसको जब पूछते बर्गर पिज्जा खाओगे तो वो मना कर देता है? हाँ, दिखाते हैं अभी आपको बंटी। हाँ, दिखाइए दिखाइए बंटी। बुलाइए उसे, अभी बुलाइए। बंटी अरे अभी पूछिए। ये तो वाकई अच्छी बात है। ये बताओ कि बर्गर खाओगे? नेकी और पुछ। अरे मंगाओ, एक बर्गर नहीं 4 बर्गर खाऊंगा, आप मंगा लो। मैडम सर, अब देखिए कैसे इनकी हवा फुस हो जाती है, संयम फुस हो जाता है। अरे हमने कहा था ना आपसे कैसे इनका संयम खत्म हो जाएगा, कैसे इनका अंदर का जहर बाहर आता है, देखिए आप। जरूर खिलाएंगे, बर्गर खाना ना तुमको हम खिलाएंगे, लेकिन तुमको याद है ना उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो हम कहेंगे वैसा करोगे, 20 किलोमीटर की दौड़ लगाओगे तुम हमारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, वादा होता है, मैं पक्का दौड़ पे जाऊंगा, लेकिन पहले आप बर्गर मंगाइए। हाँ हाँ मंगाएंगे, उसके बाद दौड़ लगाएंगे, है ना? मैडम सर एडिक्शन है, ऐसे जाते जाते जाएगा, एकदम से कैसे कोई खाना छोड़ सकता है? हाँ। फिलहाल हमें संयम से काम लेना होगा और उस नुकसान से बंटी को बचाना जो उसने फास्ट फूड खा के अपने शरीर में कर लिया, वो सारी बीमारियों से उनको बचाना है ना? करिश्मा सिंह, हम आपके मुंह से यही सब सुनना चाहते थे। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पेशेंस, आपका ये बदला हुआ नजरिया देखकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। आप इसके ऊपर तो काम करिए ही करिए, उसके साथ साथ हमें लगता है कि थाने में अब से जितने भी केसेस आएंगे सबकी काउंसलिंग का काम आप करेंगे। हमें लगता है ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। पुष्पा जी को अब जरा लाइफ में आराम देते हैं, ठीक है? गुड लक और ऑल द बेस्ट। मैडम सर सुन, क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा फील कहां आ रहा है पुष्पा जी आपको? कुछ तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। ख्याल रख बंटी। पुष्पा जी का प्रपंच है ये? हाँ चूरन समझो हमको तुम भागोगे 20 किलोमीटर? हाँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ हमारी सास ने आज तक नहीं बोला जितना तुम कौन चीज हो बे? हाँ जब दौड़ने के लिए जाएंगे तब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये जो खुराफात चेहरा है और जो तुम्हारी ये खुराफात स्माइल है ना, ये हमको बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ ये देखिए वो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, भौकाल दिखाया। हाँ तो उसका का? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन दिया, वो आपकी डर के वजह से, आपके भौकाल के वजह से, ना ही अपनी मर्जी से दिया है। वो कह रहा है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं वो कबूल क्यों करूं? तुम्हारी तो अब आप 4 बर्गर यहीं पे मंगा के खिलाएंगे और उसके बाद हम दौड़ पे जाने का नाटक करेंगे और फिर उसके बाद 2 लार्ज पिज्जा और फिर नाटक, और अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक यही नाटक चलेगा। नहीं तो आपको पता ही है कि ये वीडियो जाएगा सीधा हसीना मैम के पास और फिर जो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो आपको गुड वेरी गुड मिल रहा है, वो सीधा बैड वेरी बैड में बदल जाएगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है और आप जानती ही हैं। तो कैसी रही?
इधर सुनो। आपने बंटी की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अभी मैं हसीना मैम को आपका वीडियो भेजता हूँ। और आप क्या तमाशा देख रहे हैं, अपना अपना काम कीजिए ना। हाँ, या कल के छिलके, तुमको इतना अक्कल नहीं है कि तुम इतना दौड़ के आओगे 20 किलोमीटर तो थक नहीं जाओगे, पसीना नहीं आएगा। ये पानी नहीं है, पसीना है, ताकि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ के आए हो। क्या समझे? स्मार्ट, आई लाइक इट। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सुपर एक्टर हूँ और वैसे भी अब तक पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके मैं इतना पिज्जा बर्गर खाया हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम बचपन से लगे हुए हो। हाँ तो बिना ब्लैकमेल करे बच्चों की आजकल सुनता ही कौन है। और वैसे भी अब इतना पसीना आ ही गया तो एक और प्लेट पिज्जा मंगा लो। एक और खाओगे? हाँ, फट जाओगे। लाओ भैया एक और ला दो पिज्जा इनका। Yes, boss, why the call bill the spy? हाँ, वो जामुन नगर वाला केस है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना। चलो वहां जाके करते। ओके, चलो चलो। बिल्लू, हम तुमको बता नहीं रहे थे हमने फ्रूट वाले से कैसे धोखे से उसका बयान निकाल दिया था, है ना? तो इस आफत के गोले ने ना वो रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। और हाँ, और अब ये हमको कर रहा है ब्लैकमेल आपको। हाँ, और तुमको क्या करना है, कैसे भी करके इसके फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना, नहीं तो ये हमारी जान खा जाएगा और कहीं हम इसको जान से ना मार दे। यू जस्ट रिलैक्स एंड सिट, आई एम बिल्लू द स्पाई, रिकॉर्डिंग करूंगा डिलीट। आराम से मौत को छू करके वापिस आया है अभी तुम। आराम से। हाँ, आराम से। ए वापिस चल चल। गुड बॉय, गुड बॉय। वापिस आ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी पे पिज़्ज़ा उड़ा रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? ये इसको कहाँ बता? जानता है क्या किया है? क्या? हमारा और संतोष जी का दूल्हा दुल्हन वाला फोटो था, ढांप लिया है, ब्लैकमेल कर रहा है कि हर आधा घंटा पे अगर इसको पिज्जा नहीं खिलाए ना हम, तो हमारा वो फोटो जब इंटरनेट पर डाल देगा। तुम तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, कितना फलावर कितना फैला हुआ है। हाँ। जिस हिसाब से ये पिज्जा खा रहा है ना, पूरा महीना का सैलरी इसके पेट में डाल देंगे हम। नहीं ठल्ले। हाँ? चिंता मत करो, तेरे साथ है तेरा दोस्त बिल्लू द स्पाई। देखो, करिश्मा मैडम का वीडियो इसके मोबाइल में है। हाँ, 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 हाँ। इससे मैं मोबाइल चुरा के वो डिलीट कर दूंगा। हाँ। साथ में तेरा फोटो भी डिलीट कर दूंगा। ये रखना। ए बिल्ले, थैंक्स यार। तबला नहीं बजाना है, डिलीट करना है। क्या कर रहा है? पासवर्ड नहीं, कैसे खुलेगा? सॉरी, बट ये पिज्जा तो आपके नसीब में नहीं है बिल्लू द स्पाई अंकल। व्हाई व्हाई व्हाई? क्योंकि अब ये मैं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है उसमें तो वीडियो ही नहीं है। वीडियो तो इस फोन में है। और आप लोगों का ये फोन को चोरी करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है इस फोन में। कैसे? मैंने यहाँ छुपा के जो रखा था। तो उसको ऑन किसने किया? ये तो पहले से ही ऑन था। अब अगर आपको बचना है ना, तो मुझे आपको 3 बर्गर और खिलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो जाएगी हसीना मैम के पास और आप जाओगे थाने के बाहर। ना बंटी, ना बच्चा, ना बाबू, माफ कर दे प्लीज। अभी निकलो। आने दीजिए मैडम सर को, सब बता देंगे। और हाँ, काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा। मैडम सर, मैडम सर, देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बंटी तो अभी भी सारा दिन बस खाते हुए नजर आता है।
सब लोग उसको फास्ट फूड ऐसे मंगा मंगा कर खिला रहे ना, जैसे उसको सुधरने के लिए नहीं आया है, बारात में आया है। थोड़ा धीरे बोलिए वॉल्यूम। हमको तो लगता है ना ये करिश्मा जी जरूर कोई साजिश कर रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो। हम सुबह सुबह आपका ये सास बहू का ड्रामा नहीं सुन सकते, हमें नहीं जानना। मैडम से सुनिए तो, सुनिए तो आप। अच्छा ठीक है बोल। ड्रामा नहीं है ये, हमारा जमीर चीख चीख कर कह रहा है कि पुष्पा खुद पर अन्याय मत होने देना। इसलिए देखिए मैडम सर, जिस तरह से उसको फास्ट फूड खिला रहे ना सब लोग मंगा मंगा कर, हमें लगा ही था कि शर्त किया उसका वजन बढ़ गया होगा, इसलिए हमने उसका वजन, ये देखिए देखिए हमने उसका वजन किया, वजन चेक किया और पता है आपको उसका वजन कितना बढ़ गया है? 90 102 किलो। क्या कोई 45 मिनट तक एक ही जगह जॉगिंग कैसे कर सकता है? नहीं नहीं ये गड़बड़ है, लोकेशन क्या है? क्यूब्स एंड कप्स कैफे मैडम सर। देखा देखा यही हमारा जमीर चीख चीख कर यही कह रहा था। पुष्पा जी प्लीज अपने जमीर को कहिए कि वॉल्यूम कम करे, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कोई 45 मिनट तक एक ही जगह पे जॉगिंग कैसे कर सकता है, और वो भी क्यूब्स एंड कप्स कैफे में? हाँ जरूर पिज्जा खा रहे होंगे। आ गए मैडम सर, वो आ गए। देखिए पूछिए बात कीजिए आप पूछिए उनसे, इसलिए हम कह रहे थे ना हमारा जमीन। ये देखो पसीने से लथपथ। कितने किलोमीटर दौड़ लगाई? यही कुछ 20-25 किलोमीटर मैडम सर। 25 किलोमीटर 45 मिनट में? जाओ 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 तुम टी-शर्ट बदलो। दो पिज्जा ऑर्डर। हाँ नाना मता, करिश्मा सिंह हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, आप यहाँ सामने खड़े होकर हमसे मुंह पर आप झूठ बोल रही हैं। 25 किलोमीटर दौड़ना तो दूर, इस लड़की की हालत देखकर लगता है कि इसने 25 पिज्जा खाए होंगे। हमने पुष्पा जी से रिस्पांसिबिलिटी लेकर आपको इसीलिए दी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप इसे अच्छे से निभा पाएंगी, तो फिर क्यों सब कुछ आपने उल्टा कर दिया और इसकी हर नाजायज हरकत में इसका साथ दे रही है? मैडम सर वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने आपको ये कह दिया था कि हमने उस फ्रूट वाले को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि ऐसा नहीं था। हम वहाँ पे धूप में 3 दिन सारंगी बजा रहे थे उसके ठेले के सामने ताकि हमें कोई सुराग मिल सके, लेकिन हमारे कोई सुराग हाथ लगा ही नहीं, इसलिए हमारा सबर का बांध जो था ना वो टूट गया और 4 जूते मारे हमने जाके, तब उसने अपना सच उगला। ये सच है कि वो झूठी थैली बदलता है और लोगों को गंदे फ्रूट्स और कम तुले हुए फ्रूट्स देता है, ये सच है मैडम सर, उसने तब उगला जाके। बहुत मारा मैडम, तबीयत से कूटा है। चुप हो जाओ नहीं तो जान से मार देंगी। और मैडम सर ये बात हमने बिल्लू से किया तो इस बंटी के बच्चे ने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया, तब से हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये बात बता देंगे नहीं तुमको पिज्जा खिलाओ, तब से पिज्जा पे पिज्जा खाया जा रहा है बिना हिले। क्या हमको भी ब्लैकमेल? हमको भी। अब तक हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मल से बच्चे के फूड एडिक्शन का मामला है, लेकिन ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। ये एडिक्शन नहीं है, ये एक बीमारी। इस बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से ये सही गलत जायज नाजायज सबकी सीमाएं सब कुछ भूल चुका है, और इतनी आसानी से हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। इस तरह से अगर होता रहा तो फिर ये न जाने आगे जाकर क्या क्या करेगा। नहीं, इस बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है, इसकी बीमारी का इलाज हम निकालेंगे, बचाएंगे इसे। रास्ता तो रास्ता, हट जाओ पिज्जा ऑर्डर, हट जाओ रास्ता। रे, रे, एक मिनट, ए पिज्जा का बिल्डिंग कहाँ घुसे चले जा रहे हम? ए चीता भाई ऑर्डर मिला है यार। चीता भाई कौन है रे? ए शकल दिखाओ अपना, देख लो शकल। अरे यार ए बिलोटा पकड़ पा रहे यार। एक मिनट पकड़। अरे मर पंखिया तुम है, है? का किया सैलून का दुकान बंद करके नया धंधा शुरू किया है क्या तुम? अरे मैडम सर ने मंगवाया। एक मिनट शांत हो जाइए, ये सारे पिज्जा हम ही ने मंगाए। क्या रखो। ओ माय गॉड इतने सारे पिज्जा। ये हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आज की पिज्जा पार्टी हमारी तरफ से, ये हम सब के लिए है। क्या? सच में? नहीं मैडम सर, हम ये बाजार का हानिकारक चीजें नहीं खाते, हमको बिल्कुल नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं हम खा लेंगे, वैसे भी हमें आदत है इनका बोझ उठाने का, घर में भी तो सारा काम हम ही करते हैं, इनका सारा बोझ। पुष्पा जी और करिश्मा जी, जी हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पिज्जा हम सबको खाने हैं, एंड दैट्स एन ऑर्डर। हम खा लेंगे मैडम सर, सिर्फ पिज्जा।
बाद में जूते भी हैं, खाओगे? चलिए चलिए, इंतजार किस बात का, शुरू कीजिए। वाह वाह, मजा आ गया। वाकई बहुत मजा आया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मन नहीं भरा। बिल्कुल तो क्या कहते, फिर और मंगाएं? हाँ। तो बस फिर इकबाल, जितने पिज्जा लेकर आए हो वापस उतने ले आओ। आपके खाते में? हाँ हाँ, खाते में। वो बोला है वो करना खाते में क्या? अरे मैम, मैं तो कहता ही था ये पिज्जा बर्गर होते ही इतना टेस्टी है, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। बिल्कुल सही कह रहे थे तुम। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि ये कितनी टेस्टी चीज है। अब तो लगता है हमें भी इसका एडिक्शन हो ही जाएगा। अब ये खाने का ओवरडोज ही करेगा बंटी के एडिक्शन का इलाज।